हेलो फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ झंडे की कटिंग बेहद सरल बेहद आसान तरीके से। तो मैं बता दूँ कि ये हनुमान जी का झंडा है जो कि 1.25 मीटर का है। 1.25 मीटर का कपड़े का झंडा हनुमान जी को चढ़ता है। तो मैं बताऊँ कि कटिंग करने का तरीका कैसा है। जैसे क्या करते हैं, जैसे कोई कोई ऐसे भी कटिंग कर देते हैं कि बीच से यहाँ इस कोना पकड़ो, इस कोना यहाँ से, तो ये झंडा नहीं है। इस तरीके का हम पताके की कटिंग करते हैं। झंडे की कटिंग कुछ इस तरीके से होती है। तो शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट समझिए। तो देखिए, जैसे ही हमारा कपड़ा कितना है, 1.25 मीटर। अब 1.25 मीटर कपड़े में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से बिछा लेंगे और इसका जो बॉर्डर है, जैसे एक कोने जो एक्स्ट्रा हों उसको बराबर आप लेवल करके कटिंग करके निकाल दें, क्योंकि हमको इसे तोतड़े लटकते हैं, ये सिलाई करने में आफत नहीं आए। अब देखिए मैं बताऊं कि किस तरीके से नापती लेते हैं। तो जो हमारा जैसे ये है डबल फोल्ड में कपड़ा है ये पन्हा का, तो इस तरीके से देखिए फोल्ड, जैसे ये बीच सेंटर है तो ये बेस सेंटर में आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए। अब मैं बताऊं कि जैसे ये निशान हम सेंटर में लगाए हैं बीच में, अब कटिंग करना ये डबल फोल्ड में। अब कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाले ये जो निशान है इसको इस तरीके से कुछ ऐसा तिरछा करेंगे। इस तरीके से देखिए आप बीच सेंटर से तिरछा करिए और करते हुए तिरछा कहाँ तक हमको करना है, तिरछा कि आखिरी कोना तक हमको इसको पकड़े हुए। बड़ा कपड़ा है तो समझ में, देखिए थोड़ा सा टेबल में नहीं आ रहा, इसको इस कोने तक तिरछा करना है आखिरी तक। इस तरीके से देखिए ये बढ़ाती जा रही हूँ ये इस तरीके से, और कुछ ये इस तरीके से बीस सेंटर से हमको, ये देखिए ये हमारा जो भाग है ये बराबर लेवल में है जी। अब इसको कटिंग करने का तरीका, 1.25 मीटर में हमारा क्या है कि झंडा 2.5 मीटर का बनेगा। इस तरीके से कटिंग करते जाइए पूरी तिरछी कटिंग हमको आखिरी तक करनी है। बेहद सरल तरीके का है ये कटिंग, और मैं इसमें बताऊंगी कि सिलाई किस तरीके से करते हैं। तो शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखिए, पूरे आखिरी कोना तक आपको इसी उरेब कपड़े में से कटिंग करनी है ये। अभी हमारा कपड़ा देखिए दो भागों में यहाँ तक का कट गया। अब ये कटने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारा ये हम आधे बीच सेंटर से मिलाए हैं इसको हम कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से पकड़ेंगे और ये इसको इस तरीके से मिलाएंगे। अब सिलने का तरीका मैं बताऊंगी कि किस तरीके से सिलाई करते हैं जी। यहाँ बताओ इसी इसको जोड़ लगता है बीच में। 1.25 मीटर का हमारा झंडा जो है 2.5 मीटर का बनता है। तो जोड़ लगाने के लिए मैं क्या बताऊँ आपको कि इस तरीके से पकड़ना है इस कपड़े को इस तरीके से, और एक फोल्ड करके बताऊँ इधर से ऐसा फोल्ड करके, एक फोल्ड करके, और फिर एक सिलाई लगानी है। उस सिलाई लगाने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसको डबल की सिलाई लगाते कैसे हैं। अब जो हमारा कपड़ा ये इधर का जो है ये देखिए पूरा इतना पन्हा बराबर हमारा बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि जो पन्हे का हमारा जो ये ओढ़ते हैं इसमें हम ये फंसाने के लिए कि हमको लटकाना कैसे है, तो देखिए हमको पोल पट्टी किस तरीके से बनानी है। जिधर से हमको जितनी 2 इंच की, 2.5 इंच की, 3 इंच की, जितनी इंच का आप पोल पट्टी बनाना चाहें तो बनाएं, और यहाँ से इस तरीके से करें। अब जब हमारे ये उरे पाला भाग बच जाता है इसकी कटिंग हम इस तरीके से करके हम काल देंगे। ये पोल पट्टी का भाग देखिए ये, और इसका जो ये तिरछा कपड़ा बचता है इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। पहले मैं आपको, तो ये हमारा क्या बनेगी, जो हमारी ठुड्डी रहती है लटकाने वाली जो नीचे की बनती है। अब मैं बताऊँ आपको इसको जोड़ करके दिखा देती हूँ सिलाई लगा के कि किस तरीके से जोड़ करनी है। अब ये हमारी जो सिलाई है कुछ इस तरीके से देखिए लग चुकी है। ये दो डबल कपड़ा पकड़िए और एक ओट ओट करके ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको अंदर करने के लिए, अंदर ग्राउंड सिलाई के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए जिस तरफ से हम ये ओट हमारा ये दिख रहा है ये रेसे तोतड़े, इसको हम क्या करेंगे दबा देंगे। दबाने के बाद किस तरीके से सिलाई लगाएंगे देखिए, यहाँ से यूँ दबाए एक ओपन सिलाई हम इस इधर से लगाएंगे देखिए, और एक सिलाई हम
बाहर तरफ से लगाएंगे, एक अंदर तरफ से लगाएंगे और एक बाहर तरफ से लगाएंगे। तो जो क्या है कि ये हमारी अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी। इस सिलाई में अंडरग्राउंड में क्या होता है कि हमारे ये भी तोतड़े भी नहीं दिखते और हमारी ज्वाइंट जो है एक जैसे सिलाई लग जाती है और उल्टा सीधा नज़र नहीं आता। फिर मैं अब बताऊंगी कि जैसे ये उरेप रहते हैं तो इसको सिलाई करने का तरीका कैसे करते हैं। अब ये हमारी अंडरग्राउंड सिलाई लग चुकी है। अब देखिए इसको मैं बता दूं आपको कि जैसे ये अंडरग्राउंड सिलाई, देखिए एक सिलाई हम बाहर से लगाए और एक सिलाई अंदर से लगाए, तो इसमें क्या है कि हमारी सिलाई भी नहीं दिखती है और ये हमारा जोड़ भी लग गया। अब देखो कितना काफ़ी लंबा हमारा, देखो जो झंडा है ये हमारा 1.25 मीटर से 2.5 मीटर का तैयार हो गया। अब इसको मैं बताऊं कि जो हमारी इस तरफ ये जो हम ये फुद्दी लटकाते हैं इस जगह पे, इसको हमको इधर किस जगह से निकालनी है। तो ये फुद्दी निकालने के लिए जो हमारा ये वाला उरेप वाला कोना है, एक तो ये हमारा सीधा हो गया सीधा वाला भाग, तो सीधा वाले भाग से ये फुद्दी नहीं निकालना है। जो हमारी ये जो वाली भाग है, ये जो उरेप वाला भाग है, इसको कुछ इस तरीके से पकड़ना है। अब आपको ये देखना है कि हमको कितने इंच की फुद्दी निकालनी है। इस तरीके से 5 इंच की फुद्दी निकालोगे तो आप 5.5 इंच पे निशान लगा लीजिए। लंबाई आपके ऊपर है कि 5.5 इंच की फुद्दी निकालनी है या कि 5 इंच की निकालनी है। अब इस तरीके से हम ये फुद्दी का कपड़ा निकाल लेंगे कोना पकड़ के तिरछा करके, ये देखिए इस तरीके से। अब ये क्या है हमारा, ये कपड़ा फुद्दी वाला निकाला है। अब इस भाग को हम क्या करेंगे मैं बताऊँ कि यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से देखिए एक ओट ओटना है और फिर सिलाई लगा के फिर डबल से दूसरा ओट ओटना है। दो ही साथ में यदि आप कर देंगे, दो ही सिलाई लगाएंगे, यदि इसी तरीके का दो ओट ओटेंगे तो इसमें क्या है कि हमारे ये पर्रे आ जाते हैं, तो बाटे नहीं आने देना है हमको। पहले सबसे पहले सिंगल सिलाई लगा लेनी है और फिर बाद में उसी कपड़े को डबल से ओट करके दूसरी सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं डबल से सिलाई लगा करके बता देती हूँ। अब हमारी जो है ये पोल पट्टी की सिलाई लग चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि पोल पट्टी इस तरीके से सिलाई लगाते हैं। जैसे ये सिंगल जो मैं कटिंग करके बताई, ये वाला भाग जो कोना कट चुका है, तो जो हमारा ये वाला भाग जो उरेप वाला भाग है, देखिए इसको इस इधर से हमको बंद रखना है और ये पोल पट्टी हमको, ये जो सीधा वाला भाग है, यहाँ से हमारे को खुला मुँह रखना है। देखिए ये पोल पट्टी हमारी है। अब इसको हम बता दो कि इसको क्या करना है आपको, डबल से इसको यहाँ पे सिलाई लगाने के लिए कि तिरछी सिलाई उरे लगाते किस तरीके से। तो जैसे हमारे ये कोना ये बंद हो चुका है, इसको हम बंद कर दिए। अब इसको सिलाई लगाने के लिए उरे कि किस तरीके से लगाते, ये कपड़ा पकड़िए, देखिए पकड़िए और इसको कुछ इस तरीके से जोड़ मिलाइए। ये जोड़ मिला करके यहाँ से सिलाई ऐसा करके पैक लगा दीजिए और यहाँ से लगाते हुए ये पैक करके और ये सब तिरछा कपड़ा लेते हुए देखिए कहाँ तक की सिलाई लगाना है आपको। ये पूरे सिलाई यहाँ तक की लगा देनी है, पूरी पैक कर देनी। जब हमारा ये कपड़ा सीधा हो जाएगा यहाँ तक का, तो सीधा होने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सिंगल सिलाई पूरे अखंड पूरे पट्टी में आखिरी तक लगा लेंगे और उसको लगाने के बाद में फिर डबल ओट ओट के एक सिलाई और लगा देंगे। यदि आप साथ में डबल ओट ऐसे ओट देंगे इस तरीके से, इस तरीके से डबल ओट की सिलाई लगाएंगे तो हमारे क्या है कि बर्रे आ जाते हैं और सिलाई जो है तिरछी उरेप में बराबर नहीं लग पाती है। और ध्यान रहे जब भी सिलाई लगाएं आप तो ये वाला कपड़ा छोड़ते, इसको नीचे वाला भाग को थोड़ा सा हल्का सा खींचते हुए और ये ऊपर वाला भाग जो है छोड़ते हुए सिलाई लगाएं। इसमें भी क्या है कि हमारे बर्रे नहीं आते हैं। फिर मैं बताऊँगी कि इस तरीके से कि फुद्दी किस तरीके से नीचे आपको इधर इस फुंदे में जोड़ना है, तो इसका भी लगाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिलाई लगा करके बता दूँ, ये भी बता दूँ कि देखिए अभी भी बता रही हूँ, इस तरीके से जोड़ मिलाएं। देखिए इसको बंद वाले भाग की तरफ इस तरीके से जोड़ मिलाएं और इसको पूरा पैक करके यहाँ से जोड़ मिला करके सिलाई लगा के यहाँ तक की सिलाई जहाँ तक है देखिए उरेप आता है, यहाँ तक सिलाई लगा लें। फिर आप यहाँ से ओट करके पूरी अखंड उरेप में सिलाई लगाएं। तो मैं सिलाई लगा करके बता रही हूँ। अब हमारे उरेप वाले भाग में सिलाई लग चुकी है। अब देखिए बताओ कि जैसे ये देखिए उरेप कपड़ा जो है इसमें हमने ये सिलाई लगा दी है। देखिए कितनी मस्त सिलाई आई है ये तिरछे वाले कपड़े में। इस तरीके से पहले सिंगल सिलाई लगा लिए फिर डबल सिलाई लगा लिए, तो इसमें क्या कि उरेप भी नहीं आता और कपड़े में आटे भी नहीं आते हैं।
पूरे कपड़े में। अब यहाँ पे हम इस तरीके से जोड़ मिला दिए। ध्यान रहे कि उरेब वाले भाग में हमको ये बंद रखना है और जो हमारा सीधा वाला भाग है उसमें हमको ये पोल पट्टी खुली रखनी है। अब हमको लगाना है ये फुद्दी। तो ये फुद्दी किस तरीके से लगाते हैं देखिए, जैसे हमारा ये कपड़ा है इसको हम इस तरीके से पकड़े और ये हमारा ये फुद्दी वाला भाग जो हमने इसको निकाला। अब ये ध्यान रखना है कि जो चौड़े वाले मुँह हैं ये फन, इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ करना, इस तरीके से पकड़ना। देखिए ये वाला भाग ऐसे पकड़ना है और इसको अंदर रखना है इस तरीके से। ये हमारा चौड़ा वाला भाग अंदर की तरफ और ये वाले ये कोना मिला करके, देखिए इस तरीके से कोना मिला करके, और इसको कुछ इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ से लाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और सिलाई हम यहाँ से ले करके, देखिए यहाँ से अच्छी मजबूत सिलाई लगाएंगे। एक दो बार यहाँ से सिलाई लगा करके यहाँ तक लाएंगे और इसको इधर तक सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको खोल के पलटाएंगे, वो भी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमको सिलाई लगा करके खोलना है और किस तरीके से फिर डबल से ओपन सिलाई लगानी है। अब हमारी ये देखिए ये सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिलाई लगाने का तरीका देखिए। जो ये अंदर वाला ये झंडे का भाग है इसको अंदर रखना है, इसको इसमें जोड़ करके नहीं सिलना, सिर्फ यहाँ पे जोड़ मिलाना है और इसको जोड़ मिला करके यहाँ से सिलाई लगा के यहाँ से छोड़ देना। अब इसको कुछ इस तरीके से हमको पलटा लेना, इसको खींच लेंगे देखिए, खींच करके अब इस कोना को हम पूरा अच्छे से निकाल लेंगे ये। अब इसको अंदर करके और जो ये खुला वाला भाग रह गया है इसको हम क्या करेंगे, बराबर निकाल के यहाँ से अंदर की तरफ ऐसा ओट के इस तरीके से पूरी अखंड सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा देते हैं। तो ये पूरे बहुत व्यवस्थित लग जाएगी। ये हमारे फुद्दी की सिलाई लग चुकी है। अब मैं बताऊँ कि ये है हमारे सिलाई लगाने का तरीका, कटिंग करने का तरीका। प्लीज़ यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि बताने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए ये जो झंडा है ये देखिए 1.25 मीटर में कितना काफ़ी बड़ा हमारा ये तैयार हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत है। 1.25 मीटर में हमारा 2.5 मीटर का झंडा देखिए, ये इतना देखिए बहुत लंबा हमारा ये लूम है। यहाँ से देखिए ये जो है उरेब वाला भाग इतना, फिर ये चौड़ाई आती हुई देखिए ये, फिर यहाँ आकर के हमारा बहुत बड़ा पन्ना हो गया है। और इसको इस तरीके से घड़ी घड़ी करें और प्रेस लगा लें आप। ये है हमारे झंडा बनाने का तरीका, सिलाई करने का। और जी हाँ बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और मेरा वीडियो बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।